सेकेंड मैथ्स लेसन फुटप्रिंट्स, जहाँ फिनिश किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक बच्चा है राहुल, वो कुछ लीव्स को कलेक्ट कर रहा है। आप भी कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप पेबल्स, कंचे, लीव्स को, बेंगल्स को, बिंदीज को आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बिंदी ली, हमने क्या करना है, बिंदी को उस पेपर पे रखना है, रख के उसके साइड पर, बाउंड्री पर आपने पेंसिल से निशान बनाना है, तो हमें ट्रेस करना है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसको रखिए और उसके चारों तरफ आपने पेंसिल चलानी है, इसको कहते हैं ट्रेस करना। कोई भी चीज़ ले लीजिए अपनी मर्ज़ी की जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़की है रूही, उसने दो बाउल लिए, कटोरे लिए, उनको ग्राउंड पर रखा और उसको सर्कल करके ट्रेस करा। उसने क्या करा, पहले एक कटोरी को एक बार ही सीधा रखा और बाउंड्री लगाई, और दूसरी बार उल्टा रखा फिर बाउंड्री लगाई। तो बच्चों देखो, दोनों बार उसका जो है सर्कल डिफरेंट है, जो पहला है छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो आपने भी क्या करना है, अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ घर से जो आपको पसंद हो लेनी है, उसको रखना है और ट्रेस करना है। ट्रेस मीन्स उसकी बाउंड्री पर पेंसिल से आपने निशान लगाना है। अब अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ ले लीजिए और उसकी ट्रेसिंग करिए, देखना आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ट्रेसिंग अलग अलग मिलेगी। जैसे अगर आप अपनी नोटबुक रखेंगे तो आपको ट्रेसिंग स्क्वायर वाली शेप की मिलेगी। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने न्यूज़पेपर, आपके घर में अखबार आता है ना, उसको, उससे ट्रेस बनाना है। अखबार को रखिए और उसको ट्रेस करके बनाइए। नेक्स्ट देखिए, आपके हाथ, आपके हाथ का प्रिंट, हाथ रखिए, देखिए इस तरह से हाथ बनाया और उंगलियों के साइड साइड में आपने पेंसिल को घुमाना है। आप मम्मा का हाथ रख के करिए, पापा का हाथ रख के करिए, अपना हाथ रख के करिए और देखिए आप पहचान पाते हैं कि आपका हाथ कौन सा है और मम्मा पापा का कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़की है तमन्ना, वो क्या कर रही है, तमन्ना और उसकी मम्मा एक चेयर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, चेयर, हमें ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चेयर की शेप बनाई, ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको जैसी आती है आपने वैसी बनानी है। हमने एक चेयर बनाई और उस पर हमने तमन्ना को बिठाया, नीचे उसकी मम्मा की चेयर बनाई और उसके ऊपर मम्मा को बिठाया। आपको जैसी भी बनानी आए आपने बनानी है, ठीक है। तो ये एक ट्रेसिंग है किसकी, चेयर की, और हमने उसके हाथ में, तमन्ना के हाथ में एक नोटबुक भी पकड़ा दी, ठीक है। आपको जैसे आए आपने वैसे ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है। अब हमने मम्मा के हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ा दिया, मम्मा न्यूज़पेपर पढ़ रही है और तमन्ना क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। तो हमने इन सब चीज़ों को ट्रेस किया है और दोनों के बीच में क्या है, एक बड़ी सी टेबल, ठीक है। आपको जैसे आए आपने ड्रॉ करना है, बनाना है। तो इस पिक्चर में क्या क्या मिसिंग था, हमको क्या क्या बनाना था, चेयर बनानी थी, स्टोरी बुक बनानी थी, मम्मा के हाथ में न्यूज़पेपर बनाना था, बीच में टेबल बनाना था, तो तीन चार चीज़ें इसमें मिसिंग थी, वो आपने बनानी थी। नेक्स्ट देखिए, ये एक और एक्टिविटी आपके लिए, हमने क्या करना है, आप कोई भी एक चीज़ लेनी है, जैसे आप ले लीजिए बोटल कैप, ले लीजिए शॉर्पनर, इरेजर, कुछ भी जो आपको अच्छा लीजिए लीजिए, और उसको आप इस पर, इस जगह पर जहाँ पे देखिए सर्कल लगा है, आपने उस जगह रखना है और उसकी बाउंड्री पर फिर वही पेंसिल से निशान बनाना है, ट्रेस करना है। जो आपको पसंद आए आपने उसका ट्रेस बनाना है, ठीक है बच्चा। जो लिखा है वो भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली हमारा एक्टिविटी, हमने क्या करना है, इसमें एक आप देखेंगे टेबल बना हुआ है, हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ट्रेसिंग, जिनकी शेप सर्कल जैसी आती है। जैसे बॉटल, बॉटल का कैप आपने देखा कैसा होता है, सर्कल जैसा गोल गोल होता है। प्लेट, प्लेट हमारी गोल होती है। क्लॉक, घड़ी हमारी गोल होती है। तो जिन चीज़ें की शेप गोल होती है आपने उनके नाम लिखने हैं। अब आ जाइए इस तरह की स्क्वायर जैसी शेप, मैच बॉक्स की, इरेजर की, शॉर्पनर की, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं स्क्वायर वाली। अब आ जाइए ट्रायंगल वाली, ट्रायंगल वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे पास में, ट्रायंगल वाली आपकी चीज़ें हैं ज-
वजह से कुछ कुछ शॉर्पनर वो ट्रायंगल की शेप में आते हैं। आजकल बड़े डिफरेंट तरह के शॉर्पनर्स चले हुए हैं, वो आपके ट्रायंगल की शेप के आते हैं। कुछ रबर्स भी आजकल ट्रायंगल वाली शेप की आती हैं, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट एक लड़की है तरानी, ठीक है। उसने क्या करा, उसने अलग अलग शेप से एक बड़ी सुंदर सी पिक्चर बनाई। देखिए कितनी सुंदर उसने पिक्चर बनाई है। हमने काउंट करना है कि सबसे पहले ट्रायंगल्स कितने हैं। काउंट करो, अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे ना, एक एक करके आपने उसको काउंटिंग लिखते जाना है, 1 2 3 4 करके लिखते जाइए। किस पर? ट्रायंगल्स पर आपने लिखा और आप काउंट करेंगे तो देखना आपको 30 ट्रायंगल्स मिलेंगे। फिर आपने स्क्वायर्स काउंट करने हैं, फिर दोबारा से काउंटिंग लिखना शुरू कीजिएगा। पहले ट्रायंगल की काउंटिंग आपने रब कर देनी है, फिर स्क्वायर्स पे काउंटिंग लिखनी है। स्क्वायर्स है 9। इसी तरह से आपने बाकी दोनों पिक्चर्स भी काउंट करनी है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग लिखते जाना है, जितना नंबर आएगा आपने लिखना है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, हमने इन चार को शेप्स को यूज़ करके एक नई पिक्चर सी बनानी है। देखिए कुछ इस तरह की मैंने बनाई, आप अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये बनानी है, आप अपने मर्ज़ी की भी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा गुड्डा सा बन गया, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बनाइए। अब हमें सिर्फ इस चीज़ को रेक्टेंगल को यूज़ करके कुछ बनाना है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं आप रेक्टेंगल से। जैसे देखिए इस तरह का, देखिए मैंने बनाया इस तरह का, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी का बनाइए, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिसानी। बिसानी एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो डांस के लिए ड्रेसअप होना चाहती है, उसको डांस करना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो तैयार हो रही है। तो उसने अलग अलग तरह के ज्वेलरी गहने लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिसानी को उस बॉक्स में से गहने निकाल कर उसको सजाना है। अपनी मर्ज़ी का गहना पहनाइए उसको, मम्मा की आपने हेल्प लेनी है और बिसानी को तैयार करना है आपने। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग जो है छोटे छोटे बच्चों के चेहरे बने हुए हैं, आपने उनके चेहरे पर क्या करना है, किसी को चश्मा लगा देना है, आता है ना आपको, चश्मा बना के लगाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वाले बच्चे को हमें क्या करना है, मूछें लगानी है। वाह, पापा की मूछें देखकर आपने उसकी मूछें बना देनी है। नेक्स्ट देखिए, अगली वाली लड़की का हमें क्या करना है, उसके लिप्स बनाने हैं, ठीक है, होंठ बनाने हैं। नेक्स्ट वाले बच्चे का हमें क्या करना है, उसका फेस बनाना है स्क्वायर, ठीक है, हमने बना दिया। आपने भी अपनी मर्ज़ी से जैसे भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपका लेसन था बच्चा फुटप्रिंट्स, ठीक है। आपने पढ़ना है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है और नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। थैंक यू।